नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक पखवाड़े के देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने बढ़ते चालू खाता घाटे और रुपए में गिरावट पर रोक लगाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी अब भी जारी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके संक्रमण में 1995 के बाद 80% से अधिक की कमी आई। अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत, 3 लापता। असम में बाढ़ से 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित। और खेलों में ढाका में सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मालदीव से। एशिया कप क्रिकेट आज से दुबई में, भारत का पहला मैच मंगलवार को हांगकांग से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक पखवाड़े के इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रपिता के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करना और जन आंदोलन को बढ़ावा देना है। श्री मोदी देश के 18 स्थानों के समाज के सभी वर्गों के लोगों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले ट्विटर पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन को महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का सही माध्यम बताया। उन्होंने कहा, पूज्य बापू के 150वें जयंती वर्ष की औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बहुत ही विशाल स्तर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सबके पास पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये सबसे बड़ा अवसर है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये अभियान इस महीने के 29 तारीख से 2 अक्टूबर तक दिल्ली में होने वाले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के अंतिम दिन संपन्न होगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान देश भर में स्वच्छता सभाएं, सेवा दिवस, रेलवे स्वच्छता दिवस और अंत्योदय दिवस जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्कूली बच्चों की सामूहिक स्वच्छता रैली भी आयोजित की जाएगी। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ग्राम सभा और श्रमदान का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत कम से कम एक स्वच्छता नुक्कड़ नाटक आयोजित करेगी। देश में ग्रामीण स्वच्छता अक्टूबर 2014 के 39% से बढ़कर अब 92% तक पहुँच चुकी है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली। केंद्र ने बढ़ रहे चालू खाता घाटे CAD और रुपए के गिरते मूल्य पर काबू पाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में अगले वर्ष मार्च तक के लिए जारी किए गए रुपए की मुद्रा के बॉन्ड पर कर नहीं लगाने को समाप्त करना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के लिए छूट और अनावश्यक आयात पर रोक लगाना शामिल है। नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अमरीकी नीतियों, व्यापार युद्ध जैसी स्थिति और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों जैसी कई बाहरी कारणों से मजबूत आधार के बावजूद भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आज प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चौगाम इलाके में आज तड़के एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और सेना के 2 जवान घायल हो गए। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि एक इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने का संदेह है और इलाके में अब भी गोलीबारी जारी है। उन्होंने कहा, काजीगुंड कुलगाम में 2 ग्रुप के लोग इस वक्त जो है वो हमारे कॉर्डन के अंदर है और ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अभी तक की खबर के मुताबिक 3 लोग मारे गए हैं। ये 5 लोगों का ग्रुप है जिसमें 3 लोग HM के हैं और 2 लश्कर तौबा के हैं। ये ऑपरेशन जल्द ही कामयाब हो जाएगा। मैं वहां के अवाम को और अपने लोगों को जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं मुबारकबाद देता हूं। देश में HIV संक्रमण के मामले में 1995 से 80% से अधिक की गिरावट आई है। 1995 में यह संक्रमण अपने चरम पर था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कल नई दिल्ली में जारी 2017 की HIV रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
रिपोर्ट के अनुसार 2005 के बाद से एड्स के कारण हुई मौतों में 71% की कमी आई है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से कई स्थानों पर भारी तबाही हुई है। ईटानगर में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लापता हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मृतकों के निकट परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उधर असम के 6 जिलों में बाढ़ का लगभग 1 लाख लोगों पर असर हुआ है। धीमाजी और चिरांग जिलों के राहत शिविरों में 1,500 से अधिक बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। बाढ़ के पानी से कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गया है। ऊपरी असम में पानी के बढ़ते स्तर के कारण कुछ स्थानों पर नौका सेवा स्थगित की गई है। कर्नाटक में लोग उजाला योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर को कम लागत का 1 LED बल्ब दिया जाता है, जिसकी खपत अन्य सामान्य बल्बों और ट्यूबलाइट से कम है। प्रस्तुत है हमारे धारवाड़ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड हेस्कॉम द्वारा लागू की गई उजाला योजना के तहत उत्तरी कर्नाटका के 7 जिलों के लगभग 103 गांवों में बिजली पहुंचाई जा रही है। उपभोक्ता रेशमा बड़ेखान ने बताया कि उसने ये विज्ञापन एक समाचार पत्र में देखा और LED बल्ब का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। हम पहले बिल तो 300 ऐसा कुछ आती थी, अभी बहुत कम आ रही है 150, और ज्यादा हीट भी नहीं होता है बल्ब। 3 ईयर तक वारंटी है, अगर चला गया तो रिप्लेस करके देते हैं। उजाला कार्यक्रम के तहत सभी आवेदनों को हेस्कॉम के मंडल कार्यालयों और चयनित सामान्य सेवा केंद्र और कर्नाटका के तालुक स्तर के डाकघरों में बांट दिया गया है। धारवाड़ से आरती देवशिखामणि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विमलेंदु पांडे। सैफ कप फुटबॉल के फाइनल में आज ढाका में भारत का मुकाबला मालदीव से होगा। इस प्रतियोगिता में भारत अब तक अजेय रहा है। ग्रुप मुकाबले में भारत ने मालदीव को 2-0 से हराया। भारत 2003 से हर बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा है और उसने पिछले 2 फाइनल सहित कुल 7 बार ये प्रतियोगिता जीती है। एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता आज से दुबई में शुरू हो रही है। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज प्रतियोगिता का पहला मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। भारत का पहला मैच मंगलवार को हांगकांग से होगा। आकाशवाणी से प्रतियोगिता के सभी मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे शाम 4:30 बजे से FM रेनबो नेटवर्क और 14 ट्रांसमीटरों पर सुना जा सकेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज बेलग्रेड में सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। उपराष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं और दोनों देश आपसी हितों के मुद्दे पर एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। सर्बिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की सदस्यता सहित बहुपक्षीय मंचों पर लगातार भारत का समर्थन किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बेलग्रेड, सर्बिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री द्वारा देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र ने बताया है कि अधिकारियों के साथ बैठक में रुपये में गिरावट रोकने और ईंधन के बढ़ते दाम पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कारोबारियों और व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और कहा नियमों के दायरे में ही होगा कारोबार। हालांकि कुछ अखबारों ने मुद्रास्फीति के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने को राहत बताते हुए लिखा है कि खाद्य पदार्थों, खासतौर से सब्जियों के दामों में कमी से मुद्रास्फीति में कमी रही। ब्लैक मनी पर वार के लिए स्मार्ट हथियार शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि मुखौटा कंपनियों को पकड़ने के लिए सरकार विशेष योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री के कल बोहरा समाज में हिस्सा लेने और ये कहने कि घर के साथ दिल को भी साफ रखें को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि आश्राय मुबारका में पहुंचने वाले श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज कानून में बदलाव करते हुए ये फैसला देने कि दहेज उत्पीड़न के मामले में अब फौरी गिरफ्तारी भी कर सकेगी पुलिस, इसे नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जासूसी के आरोप में 24 साल पहले जेल भेजे गए इसरो वैज्ञानिक नामी नारायण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने और उन्हें 50 लाख का मुआवजा देने को दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों ने दिया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों पर जरूरी, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र ने बताया है कि सभी पुराने वाहनों को 13 अक्टूबर तक नंबर प्लेट बदलवानी होगी और इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक पखवाड़े के देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने बढ़ते चालू खाता घाटे और रुपए में गिरावट पर रोक लगाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी भी अब भी जारी है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके संक्रमण में 1995 के बाद 80% से अधिक की कमी आई है। और खेलों में ढाका में सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मालदीव से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।